नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय सिंह और माय यूट्यूब चैनल एज आईएएस पीसीएस एसएससी क्लास आईएएस प्री 2019 और पीसीएस प्री 2018 के एग्जाम्स में जो प्रतियोगी छात्र शामिल होना चाहते हैं उनके लिए वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रतिदिन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और आप लोग इन वन लाइनर क्वेश्चन का अगर अध्ययन कर लेते हैं तो आप श्योर मानिए कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठाइए और वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ज़रूर फ़ायदा उठाइए दोस्तों। नमस्कार मित्रों, आईएएस प्री एग्ज़ाम 2019 और पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2018 में जो भी एस्पिरेंट्स प्रतियोगी छात्र शामिल होना चाहते हैं वो तुरंत ही मेरे चैनल को आईएएस पीसीएस एसएससी क्लास को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं आपको प्रतिदिन वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो जिस तरह के क्वेश्चन की डिमांड आयोग को है और आयोग जिस तरह के क्वेश्चन बना रहा है उस प्रकार के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज शुरू की है। और आप निश्चित रूप से अगर मेरे इन क्वेश्चंस का अध्ययन कर लेते हैं तो श्योर आप मानिए दोस्तों कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन इंडिया मिशन, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2018 में 28 अक्टूबर को होने वाला है, उनके लिए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। ग्रीन इंडिया मिशन अवधि 2021 से 30 तक की अवधि के लिए, और महानदी जल विवाद, ये महानदी जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए है। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, महान आदमी ओछे नहीं होते, महान आदमियों के अंदर ओछापन नहीं होता, तो ओ से हो गया उड़ीसा और छा से हो गया छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, वैश्विक जीडीपी में पर्यटन उद्योग का योगदान कितना है? तो वैश्विक जीडीपी में पर्यटन उद्योग का योगदान 10.2%। किसान संपदा योजना में ये जो योजना है ये किसने लॉन्च की? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। अब इसको याद कैसे करेंगे, संपदा मीन्स संस्करण, ठीक है दोस्तों। किसानों के पास क्या होता है, खाद्य, तो किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, यूएसए ने भारत के साथ प्रस्तावित 2+2 डायलॉग स्थगित कर दिया है। ये 2+2 डायलॉग जो वार्ता होनी थी 2+2 की, ये किन देशों के बीच होनी थी? भारत और यूएसए अमेरिका के बीच, यूएसए यानी अमेरिका, तो ये अमेरिका ने स्थगित कर दिया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में सबसे ज़्यादा शांतिमय देश कौन सा है? आइसलैंड। आइसलैंड का मतलब ही होता, आइस मीन्स बर्फ, अगर शांति नहीं है तो अपन बर्फ खा लेंगे तो क्या आ जाएगी, शांति आ जाएगी, एक कोड याद करने के लिए आपको। तो शांति कब आएगी, जब आइस खाएंगे, तो सबसे ज़्यादा शांतिमय देश कौन सा है, आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018, ये पर्यावरण निष्पादन जो सूचकांक है ये कौन जारी करता है? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से, WEF जिसका मुख्यालय दावो स्विट्जरलैंड है, उसके सहयोग से येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी करती है, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय करता है, लेकिन सहयोग देता है विश्व आर्थिक मंच। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2018-19-20, इन तीनों के याद कर लीजिए ये कहां पर आयोजित होना है। तो 2018 का ब्यूनर्स आयर्स में, या ब्यूनर्स आयर्स कहाँ की राजधानी है, अर्जेंटीना की, और 2019
में, जापान में, 2020 सऊदी अरब में। तो इसका दोस्तों आप कोड तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, BJS BJS। तो 2018 ब्यूनस आयर्स, 2019 जापान, 2020 सऊदी अरब। यूएनए के द्वारा 2019 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सा वर्ष घोषित किया है? देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 44वां जो G7 शिखर सम्मेलन 2018 है वो कहाँ हुआ है 2018 का? क्यूबेक कनाडा। ठीक है दोस्तों, क्यूबेक कनाडा, कनाडा में 2018 का G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके बाद आइए, विश्व का पहला देश जिसने कानूनी रूप से आभासी मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी जारी की, उसका नाम है मार्शल द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी, मार्शल द्वीप समूह। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ये कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, लैंगिक, इसमें लास्ट में क्या है? एक, और यहां पर आर्थिक में भी एक आता है, तो लैंगिक आर्थिक, ये दोनों तुकबंदी आप देख लीजिए, तो लैंगिक आर्थिक। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक याद करने के लिए विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। अगला क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस वर्ष से किस वर्ष तक लागू हुई? तो 2020 से 2025 तक के लिए ये सिफारिशें लागू की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। एग्रीकल्चर आउटलुक, ये 2017 से 2026 ये प्रकाशित किसने किया? OECD और प्लस FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO होता है, और OECD, इन दोनों ने मिल करके जारी किया। एजेंडा 2030, ये तो बहुत चर्चित रहा है, ये सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है, और सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? 17 सतत विकास लक्ष्य पूरे करने की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत QR कोड ये कौन जारी करता? भारत QR कोड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, वीजा और मास्टर कार्ड, इनके द्वारा ये बनाया गया है। भारत QR कोड किनके किनके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और वीजा मास्टर कार्ड। अगला क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, अब प्रतिस्पर्धा इकोनॉमी के क्षेत्र में तो होती ही है, तो इकोनॉमी मीन्स आर्थिक, तो विश्व आर्थिक मंच। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है समावेशी विकास सूचकांक। अब समावेशी, सबको, समावेशी का मतलब होता है विकास को अंतिम पायदान तक पहुंचाना, सभी को शामिल करना। तो ये कब होगा? जब आर्थिक रूप से सभी लोग मजबूत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है, समावेशी विकास सूचकांक। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखना ना भूलें, और मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू, ओके, बाय बाय।